बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रेणुका कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडी बेसिक योगेंद्र प्रताप सिंह, डाइट के प्राचार्य डॉक्टर जेपी सिंह, बीएसए भूपेन्द्र नारायण सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग में छात्रों की आधार फीडिंग की स्थिति, पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण, यूनिफॉर्म के वितरण, बैग वितरण, छात्रों के नामांकन, नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति, विद्यालयों की मान्यता प्रदान करने के संबंध में लंबित प्रकरणों, सर्वशिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की समीक्षा सहित 13 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने कहा, फॉर द वीडियोस काइंडली नोट कर लें और बीएसएस भी नोट कर लें। तो आरटीई के जो प्रवेश की स्थिति है, अभी जो अभी इस साल में अभी तक जितनी भी एडमिशन्स हुई हैं, इसमें जो हाईली अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, जबकि जो अर्बन स्कूल है वहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़नी चाहिए लास्ट ईयर के कम्पेरिजन। लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, अलाहाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शामली, हरदोई, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कमी आई है। एडमिशन भी वहां हो सकता है। लखनऊ बताइए, सीरियो लखनऊ। हम लोगों ने एक बार सभी स्कूल्स के साथ मीटिंग करके रिव्यू किया है इसको और सभी स्कूल्स को पत्र भी भेजा है मैम, और अभी क्योंकि सेशंस क्लोज्ड हैं थोड़ा सा उसके कारण इसमें प्रोग्रेस स्लो रही है, लेकिन सभी स्कूल्स ने अश्योर किया है कि जितने भी सत्यापन में पात्र पाए गए हैं इनको ये लोग प्रवेशित करवाएंगे मैम। लेकिन होता ये है मैम, अक्सर बहुत सारे जो एफ्लुएंशियल स्कूल्स हैं वो लोग अपने स्तर से भी इन बच्चों का सत्यापन करवाते हैं मैम, उनकी जमीन सब उन्होंने रियायत के दर पर ले रखी है, करने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं। तो इस तरह की ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर लागू है, स्पेशली जिन स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट से सस्ते दर पर उन्होंने जमीन ले रखी है और रियायतें ले रखी है और अपना स्कूल चला रहे हैं, इसमें तो मैंडेटरी होगा उन बच्चों को करने के लिए। अगर इस प्रकार नहीं है तो देन वी हैव टू टेक पिनल एक्शन अगेंस्ट, क्योंकि मेरे संज्ञान में स्वयं मालूम है कि लखनऊ में कुछ कुछ जगह तो सरकारी जमीन तक उन्होंने अतिक्रमण करके अपना बिल्डिंग बना रखी है। तो दिस यू कैनॉट टॉलरेट सच अ सिचुएशन, क्या गवर्नमेंट के स्तर से भी आप रियायत ले रहे हैं, सरकारी जमीन मुफ्त में ले रहे हैं और सस्ते दर पर ले रहे हैं और अपना महल खड़ी करके और बच्चों को ला रहे एडमिशन में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू कैनॉट हैव एजुकेशन डील टू डू, आप पूरी तरह सहायता सब ले रहे हैं और ये अभी जो आप कंप्लेनें कर रहे हैं तो इसमें सफिशियंट प्रोविजन सब है, इसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, यू हैव टू टेक एक्शन। पर मुख्य सचिव के रेणुका मैम के द्वारा लिया गया है जिसमें जेडी साहब थे, एडी साहब भी हम लोग थे, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि छात्र संख्या अधिक से अधिक बढ़ाना है और 1 जुलाई को ड्रेस, पाठ्य पुस्तक, जूता, मोजा का वितरण करना है और अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, इसी पर फोकस विशेष रूप से किया गया। सरकार की जो योजनाएँ हैं उसको समय से क्रियान्वित कर दिया जाए। अभी तो ग्रीष्मकालीन अवकाश है। हाँ, अवकाश चल रहा है गर्मियों का, चूँकि जूता मोजा आ गया है, किताबें आ गई हैं और सब वितरण भी शुरू हो गया है। गोरखपुर की स्थिति बहुत संतोषजनक रही और आरटी के तहत जो गरीब बच्चों, अलाभित समूह के बच्चों के एडमिशन में उस पर भी चर्चा हुई थी, यहाँ भी लगभग 2100 बच्चों का प्रवेश हुआ है जिससे संतोष जाहिर किया गया। प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 1 में।